Assalamualaikum, welcome to Rizz channel. Hello friends, आज हम बनाने वाले हैं डोरेमोन केक. बहुत ही easy है और बच्चों को बहुत ही पसंद है. डोरेमोन सभी बच्चों का favorite है और डोरेमोन का favorite है डोरा केक. हम इसे बिना egg का इस्तेमाल किए बनाएंगे और अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो please like, share और subscribe ज़रूर करें. डोरा केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा ऑल पर्पज फ्लावर, आधा कप शुगर पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच हम लेंगे बेकिंग पाउडर, मेल्टेड बटर लेंगे हम 4 टेबल स्पून, इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 टेबल स्पून हम कंडेंस्ड मिल्क लेंगे, आधा कप हम लेंगे मिल्क, और चॉकलेट स्प्रेड लेंगे हम. आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, हमने हर्शीज़ का चॉकलेट स्प्रेड लिया है. एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हमारा मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर डाल देंगे, उसके बाद हम उसमें हमारी शुगर डाल देंगे. शुगर को हम घर में ही पीस सकते हैं मिक्सी में. बटर हम डाल देंगे, बटर की जगह हम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसमें हमारा कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे. उसके बाद हम उसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे. मिक्सर की मदद से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे, थिक और स्मूथ. देखिए इस तरह हमें स्मूथ और थिक बैटर तैयार करना है. हमारे बैटर को हम ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, इससे हमारे पैनकेक हार्ड हो सकते हैं. और इसी तरह हमें बैटर तैयार करना है, स्मूथ और थिक, और हल्के हाथों से फेंटना है. 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे. 5 मिनट हो चुके हैं, बस हमारा बैटर तैयार है. गैस ऑन कर कर हमारा बर्तन उस पर हम रख देंगे. और आप पैनकेक बनाने के लिए एक मेजर इस तरह का इस्तेमाल करें, कोई भी स्पून एक ही का इस्तेमाल करें. उस पर हमारा बटर हम डाल देंगे और जो एक्सेस बटर है उसको हम टिश्यू की मदद से साफ़ कर लेंगे. तो हमारा पैन अभी तैयार है पैनकेक का बैटर डालने के लिए. इस पर हमारा बैटर हम इस तरह डाल देंगे और इसे फैलाना नहीं है, ये ऑटोमेटिक इस तरह फैल जाएगा. और आप देख सकते हैं इस तरह सारे बबल्स इस पर आ जाए. 2 मिनट तक हम इसे सेकना है. 2 मिनट बाद इस तरह बबल्स आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह पूरा ब्राउन हो जाएगा. और आधा मिनट तक हमें यहाँ सेक लेना है. हमारा पैनकेक तैयार है, अब इसे हमें निकाल लेंगे प्लेट में. इसी तरह हमें बटर डालना है और एक्सेस बटर को टिश्यू से पोंछ लेना है और फिर हमारा बैटर डालना है. और 2 मिनट तक हमें इस तरह बबल्स आने तक आप देख सकते हैं. अब ये तैयार है, इसको हम टर्न कर लेंगे और आधा मिनट तक हम इसको यहाँ भी सेक लेंगे. बस इसी तरह हमें सारे पैनकेक बना लेने हैं. तो सारे पैनकेक हमारे रेडी है, बस अभी हम इसकी स्टफिंग कर लेंगे. पैनकेक ले लेंगे इस तरह, और इस पे हमारा चॉकलेट स्प्रेड हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम फैला लेंगे. आप कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से आप चॉकलेट स्प्रेड डाल सकते हैं. इस तरह दूसरा पैनकेक लेकर हम इसके ऊपर रख देंगे और हमारा डोरा केक बनकर तैयार है. आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. ये डोरा केक एक जापानीज स्नैक फूड है. इसको हमने इंडियन वर्जन में चॉकलेट स्प्रेड के साथ बनाया है. ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ही इजीली घर में हम बना सकते हैं. और ये चिल्ड्रन डे स्पेशल है. आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मेरी रेसिपी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़. और थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.